खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2018 का प्रदेश भर में आयोजन किया गया, जिसमें कुल 75.80% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा में किसी भी केंद्र से कोई भी गड़बड़ी की खबर नहीं मिली। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए आयोग के अध्यक्ष दीपक उप्रेती और सचिव पीसी बेरवाल ने परीक्षा पर अपनी नजर बनाए रखी। अभ्यर्थियों की प्रश्न पत्र को लेकर प्रतिक्रिया मिली जुली रही। कुछ ने प्रश्न पत्र को कठिन तो कुछ ने सरल बताया। वहीं अधिकांश अभ्यर्थियों का यही कहना है कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि 5 अगस्त को उनकी परीक्षा हो सकेगी, लेकिन आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती ने पद संभालते ही जिस तरह की रणनीति बनाई उसी का नतीजा है कि परीक्षा सही समय पर और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई। वहीं रविवार को परीक्षा के दिन यानी अवकाश और फिर ऊपर से नेटबंदी की मानो हर किसी को यह जमकर खली। सभी ने जिला प्रशासन और आयोग को कोसने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। आमजन की नहीं बल्कि अधिकारियों ने भी नेटबंदी के निर्णय पर खासा रोष जताया। मतलब पेपर तो इजी था, मतलब जो पढ़े हो आप राजस्थान से रिलेटेड हो, करंट हो, पेपर इजी था। अगर पढ़ाई अगर ढंग से की होगी तो पेपर इजी था। कोई त्रुटि नहीं प्रश्न पत्रों में? मुझे नहीं लगा कोई त्रुटि। मीडियम था, मतलब हाँ मैं संतुष्ट हूँ। पेपर का अच्छा था, जिन्होंने तैयारी की उनके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है और मेरिट भी कम जाने की उम्मीद है। पेपर का ईजी है और जिन्होंने तैयारी की उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। कुछ कमी लगी पेपर में? कोई कमी नहीं लगी हमें, करेंट के हिसाब से करेंट थी और सब लेवल के अकॉर्डिंग था। मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था तो उसी पैटर्न पे लगा, ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा सरप्राइज था। और जिस तरह पिछली बार हर जगह से क्वेश्चन थे, राजस्थान भी था, करंट भी था, इंडियन वाला सेक्शन भी था, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी था, तो हर जगह से क्वेश्चन थे। तो जैसा पिछली बार पैटर्न था तो मुझे तो वैसा ही लगा। अब कितना सही निकलेगा वो आई गो एंड एनालाइज, आई हैव जस्ट टेकन द टेस्ट। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न थे? मुझे तो हर जगह से लगे, मतलब अभी मेरे माइंड में ऐसे नहीं आ रहा है कि इसी से ज़्यादा थे। अभी थोड़ा जल्दी पूछ रहे हो आप, अभी आई हैव जस्ट टेकन द टेस्ट, आई विल सी कि कैसा गया, कितने करेक्ट निकले। पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा राजस्थान रिलेटेड क्वेश्चंस थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। इस बार राजस्थान के क्वेश्चन ज़्यादा थे और स्तर काफ़ी अच्छा कर दिया गया था और ऑप्शन भी टफ थे। अच्छा, कोई त्रुटि है पेपर में? नहीं, ऐसा कोई त्रुटि नहीं थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा करंट को भी लिया गया है मद्देनज़र, ताकि क्वेश्चंस करंट रिलेटेड हों और राजस्थान से रिलेटेड हों। सिलेबस की तो काफ़ी अकॉर्डिंग ही था। पेपर तो ठीक था, मॉडरेट लेवल का था, करंट अफेयर्स ज़्यादा ही थी इस बार लास्ट टाइम से, और पेपर तो अच्छा गया। 112 अटेम्प्ट किए मैंने 150 में से। राजस्थान की जीके ज्यादा थी, राजस्थान की जीके कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो राजस्थान से ही थे और अराउंड 20-25 नॉर्मल पूरी इंडिया से सेंट्रल से जीके थे करंट अफेयर और बाकी कुछ वो थे मैथ्स के क्वेश्चन। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।